अस्सलाम वालेकुम। आज बनेंगे उपमा रेसिपी, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक पैन ले लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। अब ऑयल अच्छे से हीट हो जाना है। देखिए, ऑयल अच्छे से गरम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 1 टीस्पून राई डाल देंगे। अब देखिए, राई अच्छे से फ्राई हो जाना है, गोल्डन ब्राउन आए कलर आए तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम मीडियम पे रखना है। देखिए, हो गई हमारी राई। उसमें देखिए करी लीव्स ऐड कर देंगे 1-8-10, बगार की मिर्च है सूखी मिर्च, ये भी ऐड कर देना है। 1-2 ऐड कर दी मैं। देखिए, नाश्ता बिल्कुल झटपट बनकर रेडी हो जाता है ये। अब देखिए, एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली मैं, ये भी बारीक से चॉप कर ली, ये भी ऐड कर देंगे। अब अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। ये मसालेदार उपमा बनकर रेडी हो जाता। देखिए, अब देखिए अच्छा लाइट हो जाना है, प्याज गोल्डन ब्राउन होना नहीं है, एकदम सॉफ्ट हो जाना है। अब क्या करेंगे, हरे मटर है और गाजर है, ये भी 1 मुट्ठी के करीब है, ये ऐड कर दी मैं। आप दूसरे कुछ भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। देखिए, मूंगफली है, ये भी 1 मुट्ठी के करीब है, ये भी ऐड कर दी मैं। फ्लेम लो ही रखी मैं एकदम। अब देखिए, मिक्स करते जाना है पूरे मसालों को, पूरे वेजिटेबल को। एक 2-3 मिनट्स तक इस स्टेप से ही लो फ्लेम पे ही फ्राई करते जाऊंगी मैं, क्योंकि कच्ची बहुत चले जाना है अपने को तरकारी की पूरी। ये जो वेजिटेबल डाले ना अपन, उसकी बहुत चले जाना है। देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गए गाजर भी हमारे। अब देखिए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरा मिक्स हो जाना है अच्छे से। इस टाइप से बना कर देखिए आप लोग, एकदम टेस्टी ज़बरदस्त बनकर रेडी होता उपमा हमारा। अब क्या करेंगे, अच्छे से फ्राई हो गए हमारी वेजिटेबल्स। इस बेस पे देखिए नमक थोड़ा सा ऐड कर दी मैं, 1/2 टीस्पून, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, एकदम ज़्यादा भी ऐड करना नहीं है। बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब क्या करेंगे, देखिए ये गिलास से पानी ऐड कर दूँगी मैं। कितनी क्वांटिटी में है अपना सूजी वो देखकर लीजिए, मैं 2 गिलास ऐड कर दी। एक बॉल उतना सूजी है हमारा, तो 2 कप या 2 कप बस हो जाता, 2 गिलास पानी अपने को। अब देखिए, 1/2 नींबू का जूस ऐड कर देना है इसमें ही। देखिए कितना झटपट रेडी हो गया हमारा उपमा। ये कवर कर दूंगी, बॉईल आए तक कवर करना है अपने को। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया हमारा पानी। ये इसमें ही देखिए वेजिटेबल 20% फ्राई करने में गल गए, अब ये बॉईल में 20% गल गए, पूरा अच्छे से रेडी हो गया हमारा। अब देखिए, 1 बॉल के उतना ले ली मैं सूजी ले ली। अब देखिए, 1 हाथ से डालते जाना है, 1 हाथ से मिक्स करते जाना है, क्योंकि लम्स बनना नहीं है। एकदम डाल देंगे तो पूरा लम्स बन जाता हमारा उपमा। देखिए इस स्टेप से मिक्स करते हुए थोड़ा 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 ऐड करते जाना है। देखिए पूरा ऐड कर दी मैं, लम्स बने नहीं। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया। अब लो फ्लेम कर देना है,
देखिए कितना झटपट बनकर रेडी हो गया हमारा। ये हरी मिर्च और हरा धनिया ऊपर से ऐड कर दूंगी मैं। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया हमारा उपमा। अब दम दे दूंगी मैं, एक दो मिनट के बाद डिश आउट करके बताऊंगी।